नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Xiaomi Poco M3 वर्सेस Oppo A12 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Poco M3 में 6.39 इंच जबकि A12 में 6.14 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Poco M3 से कम है। विड्थ की बात करें तो Poco M3 में 3.04 इंच जबकि A12 में 2.97 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Poco M3 से कम है। बात करें थिकनेस की तो Poco M3 में 0.38 इंच जबकि A12 में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Poco M3 में 197 ग्राम जबकि A12 में 165 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो Poco M3 में 19:5:9 जबकि A12 में 19:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Poco M3 में 6.53 इंचेस जबकि A12 में 6.22 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Poco M3 में 1080x2340 और A12 में 720x1520 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Poco M3 में 83.25% जबकि A12 में 81.63% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Poco M3 में 395 पिक्सेल प्रति इंच जबकि A12 में 270 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Poco M3 में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, डेप्थ कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और A12 की बात करें तो इसमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Poco M3 में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और A12 की बात करें तो उसमें 6 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Poco M3 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और A12 में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Poco M3 में Adreno 610 जबकि A12 में पावर GE8320 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Poco M3 में Qualcomm Snapdragon 662 और A12 में MediaTek Helio P35 मिलता है। बात करें RAM की तो Poco M3 में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB, 6GB, 6GB की RAM मिलती है, जबकि A12 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 3GB, 4GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Poco M3 में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB, 64GB, 128GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि A12 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 32GB, 64GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो Poco M3 में अप टू 512GB जबकि A12 में अप टू 256GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Poco M3 में Android V10 Q जबकि A12 में Android V9.0 5 देखने को मिलती है। बैटरी Poco M3 में 6000 mAh जबकि A12 में 4230 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Poco M3 में 3 कलर्स जबकि A12 में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Poco M3 में 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं,
जो कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 10,999 रुपीस, 6 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 11,499 रुपीस, 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 12,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें A12 की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 3 GB रैम 32 GB स्टोरेज के साथ 8,490 रुपीस, 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 9,750 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो Xiaomi Poco M3 में 4 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Oppo A12 की तो उसमें 3 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में Poco M3 आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में Poco M3 आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Poco C3 है, दूसरा Realme Narzo 30 है, तीसरा Moto E7 Power है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Infinix Note 11 है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।